मध्य प्रदेश के मुरैना के बागचीनी और सुमावली के हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं का निरीक्षण किया गया। मुरैना के कलेक्टर भास्कर लक्षाकार, एसपी आदित्य प्रताप सिंह और एसडीएम राजन नाडिया ने किया, जिसमें एक नकल प्रकरण सुमावली परीक्षा केंद्र पर दर्ज किया गया है। इस प्रकार जिले में बोर्ड परीक्षा पूर्ण शक्ति के साथ कराई जा रही है। आपको बता दें कि कैलारस तहसील में आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में लगातार कार्यवाही हो रही है, जिसकी वजह से नकल माफियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। कैलारस में कक्षा 10वीं के विज्ञान के पेपर में जहां दो विद्यार्थियों के नकल प्रकरण बने, वहीं तीन पर्यवेक्षकों को बीईओ जालिम सिंह धाकड़ ने कारण बताओ का नोटिस थमा दिया। एक आज ही बनाया गया है और यहाँ पर वो शक्ति की जा रही है, पूरे इलाके के अंदर पूरे ज्यादा सब डिविजन के अंदर नकल पर बिल्कुल नहीं हो पा रही है। जो नकल माफिया आएगा उस पर बहुत सख्ती भी हो चुके हैं और पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है। प्लस हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है, आंगनबाड़ी भी बहुत अच्छा काम कर रही है इसके अंदर, और शिक्षा विभाग भी जो है वो भी अच्छा काम कर रहा है। जैसे भी नकल का पेपर आता है उसको करके बनाया जा रहा है।